आज मैं टमाटर लेके आ रही हूँ, आज इससे साउथ की एक फेमस रेसिपी बनाऊंगी। नमस्ते दोस्तों, देसी फ्लेवर्स बाय आरुषि फिर से एक नई रेसिपी लेके आपके सामने आ गई है। जैसा कि आपने देखा कि मैं अभी अभी मार्केट से फ्रेश फ्रेश टमाटर लेके आई हूँ, आज इन टमाटरों से मैं साउथ की एक फेमस रेसिपी बनाने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी। टमाटर, इमली, सरसों, हल्दी, अदरक लहसुन, नमक, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, करी पत्ता और धनिया का पत्ता। सबसे पहले कुकर में 2 कप पानी, अब इनमें टमाटर डाल दूंगी, सभी टमाटर। अब इमली, नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। कुकर को आंच पे रख दिया है, अब 4 सीटी बजने तक इंतजार करूंगी। सीटी लग चुकी है और ठंडी भी हो गई है, अब मैं इन्हें बर्तन में डाल दूंगी। अदरक लहसुन को मैं इसमें अब थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ फोरन के लिए। इस तरह से मिक्स करके इनके छिलकों को निकाल लूँगी, इस तरह से दबा दबा के। कढ़ाई में तेल डालूँगी, फोरन देती हूँ, सरसों, अदरक लहसुन और करी पत्ता। फोरन हो गई है, ये देखिए अब ये रसम पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब ऊपर से धनिया पत्ता डाल देती है। बन चुकी है, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। रसम तैयार हो चुकी है, इसे साउथ में लोग रोटी चावल दोनों के साथ खाते हैं। चलिए टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है।